तो गाइस हमें मिल गई अपनी सवारी। आज हमें वृंदावन में और यहाँ पर ई रिक्शा कार तो अंदर आने नहीं दे रहे क्योंकि आगे हरियाली तीज। भैया बता रहे हैं आज ई रिक्शा नहीं चल रहे, आज बहुत भीड़ है यहाँ पर। तो भैया हमें मिल गए बाइक से और छोड़ देंगे हमें बाकी भैरव मंदिर के पास, बहुत भीड़ है यहाँ पर। भीड़ का आराम देख सकते आप कितना है। एंट्री बस वीआईपी लोगों के लिए है या पुलिस के लिए है। आज बहुत भीड़ है क्योंकि आज हरियाली तीज का त्योहार है। देख सकते हैं बस बाइक ही चल रही है या रिक्शा चल रहा है। चलिए चलते हैं फिर दर्शन करने। आप देख सकते हैं मंदिर, तो देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ तो नहीं है, ट्रैफिक नहीं है क्योंकि यहाँ पर गाड़ियों का आना जाना बंद कर रखा है, इस वजह से यहाँ भीड़ कम दिख रही है। लेकिन ये गाड़ी यहाँ की लोकल लाइट की होती है। ले गया चश्मा भी, ले गया फ्रूटी भी, ले गया भाई। आज है बहुत भीड़, ये देख रहे हैं बैरिकेड लगा दिए गए हैं और लाइन से चलिए। देख सकते हैं हम गर्मी कितनी है, बहुत उमस हो रही है। अब लोग लग गए लाइन के अंदर। ये देखिए बैरिकेड चल रहे हैं। बस तिलक लगाना होगा। तो फ्रेंड्स दर्शन हो गए बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं वापस, बहुत ज्यादा भीड़ है आज। Thank you.
तो फ्रेंड्स गर्मी है बहुत भयंकर, दर्शन तो हो गए बहुत बढ़िया मजेदार। क्यों बहुत अच्छे दर्शन, हम हमेशा आते हैं ना तो हमारे साथ हमेशा ऐसे ही होता है कि बिहारी जी हमेशा बाहर स्थापना होती है उस दिन, उनकी कोई ना कोई तिथि या पर्व होता है जब भी हम मथुरा आते हैं बिहारी जी, तो हमें बड़े अच्छे दर्शन हो जाते हैं, कृपा है सब बिहारी जी। चलिए चलते हैं वापस, भीड़ है लेकिन प्रशासन पूरा टाइट है, अच्छे से उन्होंने सारी व्यवस्था कर रखी है, तो प्रशासन पूरा लगा हुआ है, तो इस वजह से अंदर गाड़ियों का पूरा आना जाना बंद कर रखा है, पैदल और बस बाइक चल रही हैं और रिक्शे चल रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ी आसानी हो गई है। उसकी वजह से ये है कि श्रद्धालु अच्छे से दर्शन कर पा रहे हैं और मंदिर में भी बहुत डिसिप्लिन इतना मेंटेन है ना कि लोग इजीली दर्शन कर पा रहे हैं, भाग दौड़ नहीं हो रही, कोई दब नहीं रहा जैसे हमेशा देखने को मिलता था, इस बार बड़ा डिसिप्लिन तरीके से दर्शन हुए, वो भी इम्पोर्टेंट है, लोगों की सेफ्टी भी जरूरी है। तो फ्रेंड चल गई हम लोग वापस फिर से भैया के साथ, भैया छोड़ेंगे हमें प्रेम मंदिर, गर्मी बहुत है भाई, उमस देख सकते हैं आप क्या हालत हो रही है, मैं पूरा ऊपर नीचे पूरा भीग चुका हूँ, लेकिन इसका कोई मलाल नहीं है, दर्शन इतने मज़ेदार हुए, मज़े आ गए, उसके आगे कुछ भी नहीं है।